नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मऊ जिले के घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में बीते गुरुवार को एक युवक का शव खेत में मिला था। हत्याकांड के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि प्रेम संबंध को लेकर प्रेमिका द्वारा ही गोली मारकर युवक का हत्या किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने प्रेमिका उसके भाई को गिरफ्तार किया, साथ ही एक तमंचा, खोखा व कारतूस के साथ 4 मोबाइल फोन बरामद किया। बताते चले कि घोसी कोतवाली के थानेदास मोड़ पर आरोपी प्रेमी और उसका भाई वाहन के इंतजार में खड़े थे। इसकी सूचना पुलिस को मुखबिर ने दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक एसके श्रीवास्तव ने बताया कि घोसी कोतवाली के पकड़े बुजुर्ग गांव निवासी रविंद्र निषाद और रिंकी निषाद को गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिंकी निषाद ने पूछताछ में बताया कि गांव निवासी मृतक शोधन निषाद का उसके साथ कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इस बीच दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद रिंकी का पति से नाता टूट गया और वह वापस अपने मायके में भी रहने लगी। इस सब के बीच दोनों में प्रेम संबंध बना रहा। इधर बीच बाहर प्रदेश में जाकर शोधन निषाद अच्छे पैसे कमाने लगा था और अपने परिवार में व्यस्त रहने लगा था। यह बात रिंकी को अच्छी नहीं लगी और कई बार आपसी झगड़ा भी, जिसके बाद उसने साजिश के तहत उसे बुधवार की रात में मिलने के लिए बुलाया। साथ ही 3 वर्ष पूर्व प्रेमी द्वारा ही दिए गए तमंचे से सीने में गोली मारकर हत्या कर दिया। साथ ही अपने भाई रविंद्र निषाद के साथ मिलकर उसके शव को छत के रास्ते खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों का संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय भेज दिया है। रिंकी एवं उसके परिवारजनों द्वारा हत्या किए जाने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। रिंकी और रविंदर दोनों दरबारी के पुत्र एवं पुत्री ने गिरफ्तार किया हमारी घोसी पुलिस और क्वार्ट की टीम ने। पूछताछ से विवेचक को और अन्य को जो प्रकाश में आया, विगत कई वर्षों से रिंकी जो अभिता है उसका संबंध था। इसी दौरान रिंकी की भी शादी हुई जो किन्हीं कारणों से समाप्त हो गई ऐसा बताया गया, और मृतक की भी शादी 2-3 साल पहले बताई गई। पहले मृतक कम पैसे कमाता था, अब ज़्यादा भी कमाने लगा। मृतक को अभिता किसी भी तरीके से अपने लिए चाहती थी। कल इस बात को लेकर के 3 बजे उसी के घर में झगड़ा हुआ था। बाद में बुला करके मृतका द्वारा हत्या कर दी गई और अपने भाई के सहयोग से लाश को गिरा दिया गया और तमाम चीज़ें की गई। जब सोचे कि कोई बचाव का रास्ता नहीं है तो अपने पिता और परिवार समेत वहाँ से भाग कर गया। शादी हो गई और इसके बाद भी इनके प्रेम संबंध बने रहे, अस्थाई प्रेम संबंध चाहती रही होगी। इसी आधार पर गोली रिंकी के द्वारा मारे जाने बताया गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।